स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बीए ऑनर्स हिस्ट्री का रिजल्ट। जी हाँ, जामिया ने आज अपने बीए हिस्ट्री का रिजल्ट रिलीज़ कर दिया है। जामिया ने अपने आज बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज का रिजल्ट रिलीज़ करा है। आप उसको जाकर चैनल की वीडियोज़ या प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका रिजल्ट। और सबसे पहले बता दें कि एडमिशन कब लेना है आपको, तो 20, 21 और 22 तारीख में, तीन तारीख आपको यहाँ पर मिल रही है। तीनों में 1 बजे तक ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस में जाकर आपको अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है। आप फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेजेस में जाएंगे, वहीं सामने आपको हिस्ट्री का डिपार्टमेंट नज़र आएगा। वहाँ पर आपको डीन के ऑफिस में जाना है और अपने एडमिशन के आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपके सामने आ चुकी है। जर्नल की 53, मुस्लिम की 50, मुस्लिम ओबीसी की 49, मुस्लिम वुमेन की 47.75, जामिया इंटरनल की 47.50, पीडब्ल्यूडी की 33, पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर की 34, ब्लाइंडनेस की 34 और जम्मू कश्मीर की 43। कश्मीरी माइग्रेंट की गई है 18.50। चलिए ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट। ये आपके सामने जर्नल की सिलेक्टेड लिस्ट आ चुकी है। अपनी एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर दोनों को मैच कर लीजिए अच्छे से। अपने आप एडमिट कार्ड पे भी इसको देख सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखा है, देखिए ओबीसी आ गया, फिर मुस्लिम वुमेन और इसके बाद आ गया आपका पीडब्ल्यूडी जामिया इंटरनल की कैटेगरीज और आखिर में हमारा जम्मू कश्मीर और कश्मीरी माइग्रेंट। लेकिन वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी रह गई है आपकी वेटिंग लिस्ट चेक करना। जामिया इस साल वेटिंग लिस्ट भी रिलीज़ कर रहा है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी रैंक कहाँ पर है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो सेकंड लिस्ट जो है आपकी वो आखिर में, मतलब लगभग 15 से 20 दिन बाद आती है। 15 तो नहीं 20 दिन ही मान के चलिए आप, क्योंकि फिर मतलब अभी तो देखिए 20, 21, 22 में तो आपका एडमिशन ही चलेगा, उसके बाद कम से कम 1 हफ्ते बाद एक लिस्ट बनेगी और फिर वो अपलोड करी जाएगी। और जब भी अपलोड करी जाएगी चैनल पर ज़रूर बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। और रही बात की सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, तो ये भी अभी क्लियर नहीं है। ये आपकी मुस्लिम की आ गई है, और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।